साइकिल से गिर गए। देखो कौन गिरता है साइकिल से, साइकिल से गिर गए, साइकिल से गिर के लगा ली हाथ में। गुड आफ्टरनून बाबू लोग, तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है सब अच्छे होंगे जो ब्लॉग को देख रहे हैं। तो आज हमारे साथ है ओम शर्मा, हेलो, ये यहाँ पे सी आई डी लवर है ओम शर्मा, बहुत ज़्यादा मतलब ये सी आई डी के अंधभक्त एकदम। और ये देख सकते हैं आपके ओम के हाथ में जो पट्टी दिख रही है, इन्हें खुद ही ऐसा काम के जिसके वजह से ये पट्टी ने बांधने पड़ी। साइकिल से गिर गए, देखो कौन गिरता है साइकिल से, साइकिल से गिर गए, साइकिल से गिर के लगा ली हाथ में। और ये हमारी अम्मा, हाँ जी ना, क्या ना हाँ हो रही यार, ठीक ही और बढ़िया। आ ये इस जो बोलो, ए बैठ रहे सो दे, मुझे नहीं सुस्ताने सुस्ता रहा है ये। और मैं मैगी लिया हूँ, मैगी बनानी, मैगी के पैकेट लाते हैं दुकान से आके, तो दुकान से ले आया हूँ मैगी का पैकेट, वो पीछे वहाँ दुकान को एक दरवाजा है, तो शटर तो खोल नहीं सकते हैं, तो शॉर्टकट तो है ही हमारे पास। ये मैगी की भूख मेरे भाई को लगी थी और मैं तो खाता था मैगी से। तीन पैकेट मैगी बना रहा हूँ मैं आज, तीन पैकेट मैगी बना रहा हूँ मैं, एक अपने लिए, भाई के लिए और पापा के लिए और दादा के लिए, वो हाफ ऑफ कर लेंगे ओके। उन्होंने बोला थोड़ी थोड़ी चाहिए अभी, क्योंकि तीन चार बजे भूख लगी जाती है मैक्सिमम, ऐसे भी चाय से भी कितना करे होगा, तो बना दी थोड़ा मैगी। ऐसे मैं तो ही खाता हूँ, अगर मैगी नहीं है वो तो अपने पीनट बटर और ब्रेड वो लगाई चाय चाय खा लिया, मस्त सही रहता है। मैगी मुगी नहीं, अरे मैदे मुद्दे की जना, ऐसे भी सही रहती है। तो चार प्लेट मैगी बनकर एकदम तैयार है, कैसे भाई साहब मरी बहुत ही जबरदस्त। और ये देख सकते हैं आप क्या कर लिया हमने एकदम ही ये मार गए, एक प्लेट मार गए भाई, अभी हाफ हाफ करने पड़ेगी। ये क्रीमी का की सॉस वैसे सही है, 1.2 किलोग्राम मिल जाती है 120 की रुपये में, तो सॉस सही है बाकियों से टेस्ट में और ऐसे भी। तो ये देखिए दोस्तों, अब कृष्णा शर्मा जी जो है मैगी खाने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वाली मैगी बनाई थी, अब बिल्कुल खिलारे डाल रहे हैं, खिलारे एकदम, देखिए भांडे मांज रहे हैं और इस तरह से मांज रहे हैं कि इनको बिल्कुल भी दर्द ना हो, बर्तनों को दर्द नहीं होना चाहिए। देखिए कितने प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से इनको सहलाते हुए अपने कृष्णा शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? जो मैगी बनाए वही भांडे धोए, देख सकते हैं आप, जिन्होंने खाई उन्होंने तो कोई कष्ट नहीं किया, उन्होंने कष्ट किया बस किचन तक प्लेटें लाने का। सबसे ख़राब काम लगता है मुझे एक तो बर्तन मारना और कपड़े धोना, क्योंकि यार फिर वो छिट्टे हरकते हैं नहीं है, बर्तन मारने वाली गेट जो है सभी मार के फिर वो दाग से फिर अच्छा लगता है यार, कपड़े पहनते हैं और उसी दिन गंदे हो जाते हैं, पता नहीं अब नारी शक्ति कैसे करती है, नारी शक्ति को सलाम है मेरा जो ये काम करते हैं, और बाकी उनको भी बोट चारा करते हैं जो काम है वैसा काम करते हैं, अच्छा उन्होंने अपने आरे रखे होते हैं वैसे भी बोट चारा करने वालों ने भी। शाम को बनेगी भिंडी इसलिए अब इसे काट लेते हैं, तो ये सीजन ही भिंडी का है, भिंडी 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 हफ्ते में 3-4 बार तो भिंडी, क्या ही करें, सबसे ज़्यादा मार्केट में ही मिलेगा भिंडी मिलेगी। तो भिंडी जो है मैंने काट दी और इसमें थोड़ा प्याज डालना पड़ा, 5 प्याज डाले क्योंकि भिंडी की क्वांटिटी कम थी ना, तो फिर इस वजह से वो कम पड़ जाने की 4 बंदों को, इसलिए प्याज डाल दिया था खड़े 4 बंदों को पूरी हो जाए, हो ही जाएगी पूरी और क्या। अब आटा गूंथता हूँ, आटा गूंढना पड़ेगा, वैसे अच्छी एक्सरसाइज है, जो जिम नहीं जाते जिम जा नहीं पाते हैं लोग, घर में झाड़ू पोछा दो, बर्तन दो, कपड़े दो और आटा गूंथ दो, पूरी वर्कआउट हो जाएगा अच्छा खासा घरेलू वर्कआउट है ये, करना चाहिए ट्राई सबको, आजकल लॉकडाउन में तो कर ही रहे होंगे, बताने की ज़रूरत है वैसे भी। तो आटा दिया है एकदम गूंथ, अब इसको ढक दिया जाएगा बढ़िया से। तो अब थोड़ी एनर्जी के लिए चीटा पाउडर, चीटा डाल जाएगा पानी में, 1 स्कूप 2 स्कूप और ये 3 स्कूप डालते हुए ऐसे अच्छे से घोल दिया जाएगा,
और इसका रंग देख सकते हैं आप, संतरी संतरी रंग हो चुका है चिट्टे का। एनर्जी ड्रिंक, तो कई बंदे करते हैं चिट्टे का नशा, लेकिन हम ग्लूकोन डी का। तो अभी माता जी और मैं चले हैं दोला ब्राह्मणा की तरफ, वहाँ हमारी मासी जी हैं, तो उनके खेत में लगी है फ्रास्बीन, तो हमें फ्रास्बीन देंगे इसलिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि आ जाओ, तो मैंने सोचा चलो जा जाते हैं, थोड़ा सा घूमना और टहलना भी हो जाएगा। तो चले हम माता जी और मैं। लेके आ चुके हैं हम फ्रास्बीन मासी जी से, चले अब घर को। मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है, सपोर्ट दिन धूप रहती, लेकिन शाम तक थोड़ा हो जाना चाहिए मौसम ठीक, वैसा हो गया। और पीछे तक स्नैप के अंदर रोड बनाए हुए हैं लोगों ने, यहाँ पे गाड़ी सीखते हैं जिन्होंने सीखनी होती है। अच्छा यहाँ पे खेत तो मैं खेत खाली है, जैसे भी लॉकडाउन है तो फिर सड़कों में जा सकते हैं, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, इसलिए खेतों में जो दिख रहा है आपको पीछे जगह है कि प्लेन सी होगी थोड़ी थोड़ी, तो वो ये गाड़ी सीखते हैं यहाँ पे लोग। तो भोजन हो चुका है, तैयार भिंडी तैयार है, और चले अब हम भोजन करने के लिए। अभी नहीं चलेंगे सब बर्तनों को बाहर। तो व्लॉग का करते हैं यहीं पे अंत, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।